श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी आ रहे हैं यूपी से। ये पंकज चौधरी जो है महाराजगंज से लोकसभा का सांसद चुने गए, इससे पहले भी कई बार ये सांसद रह चुके हैं। और ये जो हम जिक्र कर रहे थे ना कि यूपी में जो बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ये जो कुर्मी पटेल मौर्य कुशवाहा, ये जो बिरादरी है इसका वोट जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ। ये खुद कुर्मी बिरादरी के नेता हैं और इसीलिए इनको, पिछली बार भी ये वित्त राज्य मंत्री थे, इस बार फिर से उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। और पूर्वांचल में गोरखपुर के बगल में पड़ता है महाराजगंज, तो उस बेल्ट को वहाँ पर कुर्मी समाज को एक तरीके से मान सम्मान देने के लिए इनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो भी सहसंग यूपी से मंत्री 9 है अगर कीर्तिवर्धन सिंह को मिलाए, जिसमें से एक पंकज चौधरी आते हैं। और पंकज चौधरी के अलावा अपना दल से जो है अनुप्रिया पटेल, वो भी इसी समाज इसी बिरादरी, और ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, 8 बार सांसद रह चुके हैं, मतलब अच्छा खासा अनुभव लेकर आए। पंकज चौधरी कुछ उन नामों में से है जिनको मंत्रिमंडल में अपना मंत्री पद भी संभालना है और पार्टी का काम भी करना है और जाकर जो बिगड़ा है उसको ठीक करना है, वो इनका मैंडेट है। इसी तो पंकज चौधरी, जैसा कि पंकज झा हमारे सहयोगी बताते हुए आपको कि बड़ा फेस है ओबीसी, पिछली चुनाव में यूपी का श्रीनेत्र को हराया था महाराजगंज से। महाराजगंज इस बार तो वो चुनाव लड़ने भी चुनाव नहीं लड़ी वो, हालांकि इस बार ये कम वोटों से ही जीत पाए, 34,000 वोटों से ही जीत पाए। चुनाव इनका भी कठिन हो गया था, वो तो कई सीटें कठिन हो गई, इनका भी चुनाव कठिन हुआ, लेकिन श्री कृष्ण पाल। तो कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद का अलग महत्व है। मैं गुर्जर कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा सरकार में भी मंत्री गुर्जर समुदाय के हैं, ये इनका एक अलग महत्व है, खास करके दिल्ली एनसीआर और जो एरिया है, बिल्कुल और अखंडता। और सर एक चीज और देखिए, हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी जीत कर आई, लेकिन फिर भी 3 मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और ये कृष्णपाल गुर्जर, और तीनों एक कैबिनेट, एक एमओएस इंडिपेंडेंट और ये एमओएस, यानी हरियाणा इलेक्शन पूरा फोकस में है बीजेपी के, अगर इनको हम देखें, वरना 3 बनता नहीं था अगर उस आंकड़े में देखें तो। ये क्या हरियाणा चुनाव आपको दिखता है इनके इस इलेक्शन में, हरियाणा चुनाव दिखता है आपको उनकी नजर में, बीजेपी की नजर में, 3-3 अगर मंत्री आ रहे हैं हरियाणा से? तीनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो सीटें बांटी जाती है तो अक्सर ये बोला जाता है कि साउथ में प्रोपोर्शनलिटी नहीं बांटा जाता, साउथ में टोकनिज्म होता है और इन राज्य जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वहां से ज्यादा सीटें आती हैं, ज्यादा मंत्री। लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ सालों के दौरान करती रही, उसमें वो ये समीकरण बैठाती रही है तमाम ओबीसी जातियों को, तमाम और जातियों को साथ में रखने का। एक चीज कहूंगा, जो कृष्णपाल गुर्जर जिस बिरादरी से आते हैं, राजस्थान हरियाणा और पश्चिमी यूपी में इसका ठीक ठाक वोट है, और ऐसी स्थिति में जब पश्चिमी यूपी और राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ, गुर्जर समाज का वोट बैंक ऐसा है जो सॉलिडली बीजेपी के साथ खड़ा रहा है दिल्ली में भी, और ये मतलब बहुत कम, मतलब कह सकते हैं कि राहत की बात है बीजेपी के लिए।